नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर. अब इन गुड कंडक्टर का हम कहाँ यूज करते हैं. देर आर थ्री बेसिक एप्लीकेशंस गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल इन किचन इन कुकिंग यूटेंसिल्स. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स. कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो भी हमारे किचन के बर्तन हैं, वो सारे मेटल से बने होते हैं जिससे हम खाना इजिली कुक कर सकें. कॉइल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशन आर मेड अप ऑफ कॉपर टू कंडक्ट अवे हीट. जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशन के जो कॉइल्स होते हैं वो भी कॉपर के बनते हैं, जिससे हम पूरे अगर एयर कंडीशनर हो तो पूरे कमरे की हीट जो है वो बाहर निकाल देता है. मर्क्यूरी यूज होता है थर्मामेट्रिक लिक्विड की तरह. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. अब बैड कंडक्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है. वुलन क्लोथ्स आर वर्न इन विंटर बिकॉज वुलन इज एन इंसुलेटर. पहला तो वुलन क्लोथ्स हम विंटर में पहनते इसलिए क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और वो अपने अंदर हीट को ट्रैप्ड कर लेगा और बाहर नहीं जाने देगा. सेकेंड क्या है, हेयर एंड फर इन एनिमल्स. जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर हेयर होते हैं, फर होते हैं, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, सीवियर कोल्ड. एस्किमोज मेक इग्लूज आउट ऑफ स्नो बिकॉज स्नो कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर विच एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड कीप द इग्लू वार्म. इग्लू बनाने का बेसिक क्या है, इग्लू जो होते हैं, एस्किमोज जो होते हैं, इग्लू बनाते हैं स्नो से. स्नो से इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्नो के अंदर बहुत ज्यादा हवा ट्रैप होती है और हवा जो होती है अंदर से हीट बाहर नहीं जाने देगी, इसीलिए वो जो इग्लू रहेगा वो गर्म रहेगा. हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेक ऑफ बैकेलाइट वुड. और जितने हैंडल्स होते हैं वो बैकेलाइट का या वुड का बनाया जाता है जिससे कि जब हम उस बर्तन को पकड़े तो हमें गर्म ना महसूस हो और हम आसानी से उसे पकड़ के खाना बना सके. नेक्स्ट प्रोसेस इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन वी ऑब्जर्व देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन. दीज मोबाइल मॉलिक्यूल्स कैरी हीट एनर्जी विद देम. कंडक्शन में हमने देखा कि कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल के अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफर हो जा रहा है. लेकिन अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है एक्चुअल मूवमेंट से तो ऑब्वियसली बात है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में जाएगा. हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज कैरीड फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द सब्स्टेंस टू द कोल्डर पार्ट विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ऐसा प्रोसेस जिसमें हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ हीट ट्रांसफर हो लेकिन उसमें एक्चुअल मूवमेंट हो पार्टिकल्स का, उस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलेंगे. कन्वेक्शन रिक्वायर्स मोबाइल मॉलिक्यूल्स. इट इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड आर हेल्ड वेरी क्लोज, सो इट टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस. कन्वेक्शन जो है तो सॉलिड में नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि कन्वेक्शन के लिए हमें मोबाइल मॉलिक्यूल का यूज करना पड़ेगा, ऐसे मॉलिक्यूल का यूज करना पड़ेगा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके. सो कन्वेक्शन अकर्स ओनली इन लिक्विड एंड सॉलिड. एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स. कन्वेक्शन करेंट्स फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंटिलेशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर एंड वार्म एयर इनसाइड अ रूम इज रिप्लेस कंटिन्यूसली बाय फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड. कन्वेक्शन प्रोसेस हम बेसिकली वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं जिससे कि कमरे की गर्म हवा बाहर जाती रहे और बाहर की ठंडी हवा हमारे कमरे में आती रहे जिससे कि हमारा पूरा रूम जो है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा. दैट इज वाई वी यूज विंडो डोर्स इन अवर रूम्स. सेंट्रल हीटिंग इन होटल्स ऑफिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. और ये जो होटल ऑफिस में भी प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन यूज किया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन जो होता है हमारे जो हवा चलती है मौसम में, वेदर कंडीशंस में भी कन्वेक्शन करंट का यूज होता है. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एक नेचुरल फेनोमेना है कन्वेक्शन का. एंड यू हैव लर्न दीज टॉपिक्स इन वेरी अर्लियर क्लासेस ऑल्सो. इट इज जस्ट रिविजन ओवर हेयर. इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वॉटर. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. कोस्टल एरियाज में दिन के टाइम में जमीन के ऊपर जो होती है हवा एंड द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. जमीन जो होती है वो काफ़ी तेजी से गर्म हो जाती है एंड द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. और जैसे ही हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है. द कूलर एयर रश फ्रॉम द सी रशेज टूवर्ड्स द लैंड. क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो वो जगह खाली हो जाती है तो समुद्र से सी से जो ठंडी हवा आती है वो वहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. क्योंकि समुद्र से ठंडी हवा आके वहाँ पे आ गई है और गर्म हवा ऊपर उठ चुकी है तो गर्म हवा वापस जो होती है सी की तरफ चली जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस कंटिन्यूएशन इज कॉल्ड सी ब्रीज. इन ऑर्डर टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज पीपल मेक विंडोज ऑफ द हाउस फेसिंग सी. और हमें ठंडी हवा पाने के लिए इसीलिए लोग जो विंडो बनाते हैं वो समुद्र की तरफ बनाते हैं.
और इसका जस्ट अपोजिट होता है रात में. रिवर्स हैपेंस इन नाइट. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. अब जो पानी होता है वो बहुत आसानी से ठंडा नहीं हो पाता है, और वो जबकि लैंड अगर गर्म है तो वो तेजी से ठंडी हो जाएगी, लेकिन पानी हमारा आसानी से ठंडा नहीं होता. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी. तो जो ठंडी हवा रहती है वो लैंड से सी की तरफ घूमती है जाती है, और एयर फ्रॉम द लैंड, और जो लैंड से जो एयर आती है वो सी की तरफ चली जाती है. एंड एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी जस्ट अपोजिट ऑफ द अबव, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. देयर इज अ फ्लो चार्ट गिवन बाय द हेल्प ऑफ द टू फिगर्स. द लास्ट इज रेडिएशन. When we sit in front of the fireplace, our body gets hotter. This heat is neither due to the convection or conduction. It occurs due to the radiation. Radiation process क्या है? जैसे कि ठंड में जब हम आग जला लेते हैं उसके पास ही बैठ जाते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है. वो इसलिए क्योंकि ना इसमें कन्वेंशन हो रहा है ना कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है. रेडिएशन के लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं होती. मॉलिक्यूल्स इसमें किसी भी तरह का कोई रोल नहीं प्ले करते. रेडिएशन प्रोसेस डजेंट रिक्वायर एनी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. कंसिडर सन एंड अर्थ. सन हीट अप द अर्थ. अगर हम सन और अर्थ का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अर्थ हमारी बहुत दूर है सन से, तो सन की जो गर्मी होती है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आती है और अर्थ हमारी काफी गर्म हो जाती है. सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली रेडिएशन. दस रेडिएशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी, हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. सो रेडिएशन हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जिससे कि ट्रांसफर हो सके बॉडी का हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी में. एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.